तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाइडेन की टीम अमेरिका में कौन है जो अमेरिका के बड़े फैसले लेगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इसमें प्रमुख हैं। रक्षा मंत्री का पद जनरल लॉयड को दिया गया है। बाइडेन की टीम में वित्त मंत्री डॉक्टर जेनेट लेन है, जबकि विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन है। और ये चारों राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम अमेरिका के सबसे अहम किरदार हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। एक नई उम्मीद के साथ नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुर्सी संभाल ली है। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह बहुत खास रहा। बाइडेन ने अपने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। बाइडेन के साथ ही अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी भारतवंशी कमला हैरिस ने भी शपथ लेकर नया इतिहास रच दिया। इस मौके पर अमेरिका के तीन पूर्व राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद परिसर में हुई इस इनॉग्रल सेरेमनी में लेडी गागा और जेनिफर लोपेज की मौजूदगी में इसे और शानदार बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद सारी दुनिया की नजर उनके पहले संवाद पर थी और अमेरिका के नागरिकों को दिए गए अपने संवाद में जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि कोरोना महामारी से लड़ाई और अमेरिका में गहरी हुई विभाजन की खाई को भरना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा और सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिका में वक्त बदल गया है। नई उम्मीदों के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए जो बाइडेन सत्ता को संभाल चुके हैं। ऐसे में बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जो कुछ भी कहा उस पर सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। बाइडेन ने अपने संबोधन में अपने शपथ ग्रहण को लोकतंत्र की जीत का दिन बताया। दिस इज अमेरिकाज डे, दिस इज डेमोक्रेसीज डे, a day of history and hope. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. चुनाव जीतने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ना तो हार मानने को तैयार थे ना बाइडेन को सत्ता सौंपने के लिए तैयार थे। ऐसे में सत्ता के हस्तांतरण से पहले अमेरिका ने कैपिटल में हिंसा भी देखी। बाइडेन के संबोधन में इस हिंसा का भी जिक्र था और डोनाल्ड ट्रंप का भी। Just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime and service. कोरोना महामारी भी इस बार अमेरिकी चुनाव में बड़ा मुद्दा थी और अपने भाषण में भी बाइडेन ने इस महामारी से निपटने के लिए एकजुट होने का जिक्र किया। बाइडेन ने कोरोना से पैदा हुए हालात की तुलना वर्ल्ड वॉर टू से कर डाली। Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Once in a century virus that silently stalks the country has taken as many lives in one year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. जो बाइडेन ने जिस अमेरिका की कमान संभाली है उसे अमेरिका में हुए गृह युद्ध के बाद सबसे विभाजित अमेरिका कहा जा रहा है। ऐसे में बाइडेन ने अमेरिका को एकजुट करने का संकल्प भी दोहराया है। My whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation, and I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face, anger,
resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. डेमोक्रेट्स की जीत के साथ इस बार अमेरिका में एक नया इतिहास भी लिखा गया है। पहली बार महिला उपराष्ट्रपति मिली। बाइडेन ने अपने संबोधन में अमेरिका में हुए इस बदलाव का भी जिक्र किया, साथ ही साथ अमेरिका को और बेहतर बनाने की बात कही। Which facts themselves are manipulated and even manufactured. Here we stand, we're 108 years ago. At another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing-in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. सारी दुनिया की राजनीति में अमेरिका का राष्ट्रपति असर डालता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका के नए राष्ट्रपति को सबसे पहले अपने देश को एकजुट करना है। ये चुनौती काफी बड़ी है क्योंकि अमेरिका में विभाजन की खाई जितनी गहरी हो चुकी है उसे भरना इतना भी आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो बाइडेन की नई टीम में कई भारतवंशी शामिल हैं और वो इस सरकार में अहम जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। बाइडेन की पूरी इंडियन टीम जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी शिरीन के पास। बाइडेन की इंडियन टीम का हम जिक्र करेंगे, हम बताएंगे कि कैसे बाइडेन प्रशासन में, कैसे उनकी टीम में भारत वंशियों का प्रभाव जो है वो बढ़ा है। एक एक करके मैं आपको वो नाम दिखाऊंगी अपने दर्शकों को। पहला नाम नीरा टंडन, जो कि प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी, नीरा टंडन। इसके अलावा अगर इस टीम में हम दूसरे नाम पर गौर करें जो कि यहाँ पर बाइडेन प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे, वो डॉक्टर विवेक मूर्ति होंगे, जो कि सर्जन जनरल अमेरिका की जिम्मेदारी संभालेंगे। सर्जन जनरल अमेरिका डॉक्टर विवेक मूर्ति। इसके बाद भारत वंशियों का प्रभाव क्यों हम कह रहे हैं कि बढ़ा है, वनिता गुप्ता एक और नाम, वो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका निभाएंगे अमेरिका में, वनिता गुप्ता ये वो नाम। इसके अलावा उजरा जेया लोकतंत्र एवं मानवाधिकार मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी। इसके अलावा भरत रामामूर्ति उपनिदेशक राष्ट्रीय आर्थिक परिषद। और फिर एक और नाम जो है वो है गौतम राघवन उपनिदेशक राष्ट्रपति कर्मी कार्यालय के। इसके अलावा एक और नाम बाइडेन की इंडियन टीम में जो जुड़ रहा है, यानी कि जो भारत वंशी अब अमेरिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो है सोनिया अग्रवाल, घरेलू पर्यावरण नीति कार्यालय में वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर वो अपनी सेवाएं देंगी, अपनी भूमिका उनकी जो है वो वहां पर जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो निभाएंगी। घरेलू पर्यावरण परीक्षण सलाहकार विदुर शर्मा, परीक्षण सलाहकार कोविड 19 रिस्पॉन्स टीम। आप देखते हैं कि अमेरिका में कोविड 19 किस तरीके से एक बहुत बड़ी चुनौती, तो विदुर शर्मा परीक्षण सलाहकार के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तरुण छाबड़ा जो कि प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के वरिष्ठ निदेशक के तौर पर उन्हें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तरुण छाबड़ा। इसके अलावा शांति कलाथिल समन्वय अधिकारी लोकतंत्र एवं मानवाधिकार शांति कलाथिल। तो ये देखिए बाइडेन की पूरी वो टीम, एक एक नाम जो हमने बताए हैं अदिति, और ये क्यों हम कह रहे हैं कि जो भारत वंशियों का प्रभाव है वो यहाँ खास तौर पर बाइडेन की इस पूरी टीम में दिखाई दे रहा है। तो आपने लगातार बड़ी कवरेज जी न्यूज पर देखी, हमने आपको शपथ ग्रहण को लेकर पूरा विश्लेषण दिखाया, इसके मायने क्या है लगातार आप देख रहे हैं क्योंकि पूरा पैनल जी न्यूज पर आपको और सरलता से बता रहा है। अब चूंकि बाइडेन युग की शुरुआत हो चुकी है तो आगे क्या, अब बात करेंगे इस पर। और मेरे साथ अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनायक, जो आप लगातार सुबह से जी न्यूज पर उन्हें देख रहे हैं, रविंद्र सचदेव भी सुबह से लगातार आप तक हर एक जानकारी को सरलता से बता रहे हैं, और मेरे साथ राजीव नयन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। आप वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ बयां करने वाली तस्वीरें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर सिग्नेचर करते हुए देख रहे हैं इस वक्त आप जो बाइडेन को बतौर राष्ट्रपति। पहली फाइल और इस पर पहला पेन, यानी अलग अलग पेन का इस्तेमाल अपने सिग्नेचर्स करने के लिए जो बाइडेन ने किया। आप देखिए दूसरी फाइल, यानी राष्ट्रपति पद संभालते ही जब वो इस कुर्सी पर विराजे तो तीन फाइलों पर अपने दस्तखत वो कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर रहे थे, लेकिन अलग अलग फाइल थी तो अलग अलग पेन भी थे।
अब ये तीसरी फाइल और पेन चेंज किया और तीसरे पेन से सिग्नेचर किए जो बाइडन ने। रविंद्र सचदेव, ये जेस्चर क्या है? सॉरी, फिर से बोलिए प्लीज। रविंदर, तीन फाइलों पर साइन किए जो बाइडन ने राष्ट्रपति बनते ही, और तीनों फाइल में अलग अलग पेन का इस्तेमाल सिग्नेचर के लिए किया गया, इसे कैसे समझे? देखिए, दो चीजें हैं। कई बार तो ऐसे में ये भी होता है, जो आप सिग्नेचर करते हैं फाइल पे, राइट, वो पेन आप गिफ्ट कर देते हैं आगे, राइट, क्योंकि जो मोमेंटम्स ओकेजंस हो सकते हैं, होते हैं, तो हो सकता है उस एंगल से इन्होंने कराओ। पर ये जो तीन फाइलों पर जो साइन हुआ, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। ये इन्होंने सबसे पहले जो अपनी फाइल्स साइन करी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं, ये अपनी कैबिनेट की नॉमिनेशंस और अपॉइंटमेंट्स साइन करी। ये इनॉग्रेशन के बाद सबसे पहले इन्होंने करा अपनी टीम की नॉमिनेशंस की, ये मेरी टीम होगी, ये मेरे कैबिनेट के होंगे, उनके अपॉइंटमेंट्स पे सिग्नेचर्स करें। इसके बाद ये आए वापस व्हाइट हाउस, जहां पर वो 15 या 17 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो इशू कर रहे हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में वापस जाना है, इमिग्रेशन के लिए, यू नो, पाथ फॉर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को आगे करने के लिए, एक पाइपलाइन है ऑयल से रिलेटेड जो कनाडा से आती है अमेरिका में, उसको कैंसिल कर दिया है। मुस्लिम कंट्री से जो आना था, जो बैन करा हुआ था ट्रंप ने, उसको कैंसिल कर दिया है। तो वो 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने सेपरेट साइन करे हैं, पर सबसे पहले ये तीन ऑर्डर्स थे जो साइन करे अपनी इनॉग्रेशन के बाद, और ये थे रिलेटिंग टू अपनी टीम की अपॉइंटमेंट का, क्योंकि अब इनकी टीम अपॉइंट होगी। अब उस टीम को, काफियों को तो सेनेट में जाके कंफर्मेशन होनी होगी, बट इन्होंने वो प्रोसेस चालू कर दिया, क्योंकि लीडर को क्या चाहिए सबसे पहले, उसको अपनी टीम चाहिए इन प्लेस, राइट? तो उन्होंने अपनी टीम की अपॉइंटमेंट्स के लेटर साइन करे ये, और फिर व्हाइट हाउस जाके पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन करने शुरू करे। राजीव नयन, सब कुछ अब उसी तरह से हो रहा है जो हमेशा से एक प्रथा रही, जो परंपरा रही। थोड़ी चीजें हमने अलग देखी पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, लेकिन आने वाले समय में हम कितना अंतर देख रहे हैं। जो बाइडन अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, और भारत को लेकर किस दिशा में ये आगे जाएगा? देखिए, जैसा कि हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं, जो विदेश नीति होती है वो बहुत कुछ लगातार निरंतरता उसमें रहती है। कुछ बदलाव आएंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स कुछ कुछ विषयों पर रिपब्लिकन से थोड़ा अपना अलग भिन्न मत रखते हैं, लेकिन कई जो फंडामेंटल इश्यूज होती है वो उसे डिस्टर्ब करना वो कोई भी नहीं चाहेगा। और जो जो इनकी टीम है, जिसे हम थोड़ा इसे भारत के जब बात करते हैं, भारत की इनकी नीति के बारे में, तो एक ह्यूमन राइट्स और इसकी बात बार बार आ रही है, कमला हैरिस वही उठाएंगे, कश्मीर का मुद्दा उठेगा, 370 का मुद्दा उठेगा। देखिए, इन्होंने जो एक टीम चुनी है, जो अभी रविंद्र सचदेव वही बात बोल रहे थे, वो उस टीम में से ब्लिंकन को इन्होंने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए चुना है, और वो एक गिटार प्लेइंग जिन्हें माना जाता है कि बड़ा ही मस्त तरह के व्यक्ति है, और वो स्पीच राइटर हुआ करते थे क्लिंटन के, और उनकी एक जो उनके मूल्य भी जिसे वो बार बार दोहराते हैं, उनका जो अमेरिकी मूल्य है, अमेरिकन वैल्यूज है, ह्यूमन राइट्स जिसकी हम बात करते हैं, उस पर उनका एक बड़ा ही प्रैग्मेटिक अप्रोच रहता है। वो जानते हैं कि किसी भी विदेश नीति की अपनी एक सीमा होती है, तो एक सीमा से आगे उन सब किसी भी विषय को आगे नहीं ले जाएंगे। अब बात आती है कि बाकी सब मुद्दे पर भारत से कैसे हो सकते हैं, तो देखिए, अफगानिस्तान की बात होती है जब भी हम भारत की बात करते हैं, तो जब बाइडेन वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अफगानिस्तान के किसी भी नीति के लिए कहा कि बिना भारत को आप क्या सहयोग लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें बड़ा ही प्रोएक्टिवली इंडिया को इन्वॉल्व किया था अफगानिस्तान के किसी भी प्लान में। केवल पाकिस्तान और बाकी तो चीन जो लोग बात बोल रहे थे और अन्य देश, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत की भी एक भूमिका होती है जी। पर एक और बात, जो आतंकवाद पर भी बाइडेन ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब हमें थोड़ा ध्यान देना होगा अलकायदा के ऊपर, हमें ध्यान देना होगा इंटरनेशनल स्टेट के ऊपर। तो एक जो जहां से आतंकवाद आ रहा है, तो इस तरह से सीधे सीधे जो भारत का भी जो कंसर्न्स है, भारत की भी जो समस्या है, यह सही है कि हमें अपने कूटनीति से बताना होगा कि जो अलकायदा का कुछ स्लीपर सेल्स जो है वो पाकिस्तान में भी है,
तो ये हमारे कूटनीतिक चुनौती रहेगी कि जो पाकिस्तान में जो पनप रहा है, जिनका उनका लिंक है इन अलकायदा से और बाकी जो आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह है, उनसे जोड़ना, बताना कि देखिए इनको भी ध्यान दें। तो हमें अपने तथ्य के साथ साथ सारी सूचनाओं के साथ उनके साथ कार्य करना होगा। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है कि चीन के प्रति क्या रवैया होगा, क्योंकि एक बड़ा विवाद का विषय बन चुका है। ट्रंप के समय लोग कह रहे थे कि चलो अमेरिका की चीन नीति थोड़ी भारत के पक्ष में जाती है, थोड़ा चीन विरोधी है। फिर बाद में जिस तरह से यूरोपियन देश को साथ उन्होंने लाया, और पिछले एकाध महीने से जो इन्वेस्टमेंट उनका जो एक नीति आई जो यूरोपियन यूनियन की, उसने यूरोपियन यूनियन ने कहा कि मैंने वैसा कुछ नहीं किया जो कि अमेरिका ने नहीं किया हो। तो एक देखिए एक जो टू चाइना जो बात हो रही है, इन अमेरिका टू चाइना पॉलिसी, जिसमें कि एक इकोनॉमिक चाइना और एक सिक्योरिटी चाइना, ये दोनों जो डिलेमा अमेरिकन का हो चाहे यूरोपियन यूनियन का हो चाहे भारत का भी हो सकता है, वो कि आप किस तरह से एक इकोनॉमिक चाइना को इंगेज करते हैं, किस हद तक इंगेज करते हैं, और एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएटिंग चाइना को किस हद तक आप कंटेन करते हैं और उसे रोक लगाते हैं बाकी सब मिलकर। तो ये डिलेमा उनके साथ भी रहेगा। और वहां पर साउथ चाइना सी में उन्होंने बड़े ही जोरदार तरीके से अपने कैंपेन के समय भारत की एक भूमिका की तलाश की थी। रविंदर, आप कुछ कहना चाहते हैं इसी में, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं अचल मल्होत्रा पर जाऊं। नहीं नहीं, शो पहले राजीव जी कंप्लीट करें, मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं। प्लीज सॉरी। नहीं नहीं, मैं लगभग बात समाप्ति कर लिया था। मैं साउथ चाइना सी के ऊपर भी आया, देखिए क्वाड प्लस अब हो सकता है आ जाए, बाकी देशों को भी हम लोग बात कर रहे हैं कि केवल चार देश ही नहीं, वहां पर बाकी राष्ट्रों को भी लाया जाएगा। तो उसमें हमें बाइडेन के साथ कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। तो इस तरह से कई जो कंसर्न्स उभर कर आए थे, तो उस पर हमें कोई बहुत ही विशेष परेशानी की बात नहीं। एक बात देखिए और ध्यान देने लायक है, जब आप चीन की, अमेरिका की चीन नीति की जब आप बात करते हैं और ट्रंप से, देखिए ट्रंप ने एक अलग एक ट्रेड वॉर किया, ये सही है चीन के साथ, और उसने कई सप्लाई चेन एक्टिविटीज को बाहर दूसरे देशों में दिया, हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। यहां तक कि वियतनाम ने भी फायदा उठा लिया। करीब करीब जो 2019 के पहले हाफ में $25 बिलियन का उसने एक एक्सपेरिमेंटल कार्ड फेंका था कि वहां से अगर ऑर्डर दबाव डाल के हटा लेते हैं तो उस पर क्या असर होने जा रहा है। तो उसमें देखिए उसमें भारत का बहुत फायदा नहीं हुआ था। तो इसीलिए जब पोम्पियो जब आए और उन्होंने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और बाकी क्षेत्र आप भी इसका फायदा उठाओ, और बाकी जापान फायदा उठाए, ऑस्ट्रेलिया फायदा उठाए, यूरोप की केवल फायदा नहीं उठाए, तो इस तरह की एक नीति वो ला रहे थे। अब देखिए उस नीति में लेकिन इकोनॉमिक कंसर्न और आप जो बोल रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न की जो बात है, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपने जो बातें विस्तार से बताई हैं, लेकिन क्या भी ये उतना आसान होगा, क्योंकि ट्रंप की जो नीति थी और बाइडेन की जो नीति है उनमें भी तो जमीन आसमान का अंतर है, या फिर ये एक मैसेज देना जरूरी होगा, क्योंकि ट्रंप के जाते ही चीन ने ट्रंप के प्रशासनिक अधिकारियों पर अपनी कड़ी कार्रवाई कर दी है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।